कर आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन पर और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के आदेशानुसार आईपीएस अफसर डॉक्टर रविंद्र वर्मा के मार्गदर्शन में महाकाल थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर, खाराकुआ थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर अपनी टीम के साथ कोट मोहल्ला और तोफखाना स्थित पतंगों की दुकान पर जाकर दबिश दी और चाइना डोर चेक की, लेकिन दुकानदारों को पुलिस के आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। जैसे ही पुलिस पहुंची वैसे ही चाइना डोर दुकानदारों द्वारा छुपा दी गई थी, लेकिन उज्जैन पुलिस की दबिश लगातार चाइना डोर को लेकर बढ़ती जाएगी। सर, चाइना डोर के ऊपर किस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है? चाइना डोर को प्रतिबंधित किया गया है माननीय डीएम साहब के द्वारा। ये काफ़ी घातक डोर होती है, जिससे आमतौर पर पक्षियों के और खेलने कूदने वाले बच्चों के, यात्रियों के, वाहन से आने जाने वाले लोगों के गले कट जाते हैं और भी शरीर के दूसरे हिस्सों में चोटें लगती है। तो ऐसी डोर का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए महाकाल पुलिस और खाराकुआ पुलिस के द्वारा तोपखाना क्षेत्र की दुकानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी हमने कई सारी दुकानों पर चेकिंग की है, लेकिन चाइना डोर अभी हम लोगों को मिली नहीं है। फिर भी हम इसको बिकने नहीं देंगे और लगातार चेकिंग अभियान जारी रहेगा।